कुछ अलग और बहुत आसान आज हम बनाएंगे नए स्वाद में खस्ता करारे सूजी आलू की पूरियां, जिसे आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच में, शाम की चाय के साथ, अचानक से मेहमान आ जाए, सफर में ले जाना हो या कोई त्योहार में फटाफट 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। इन पूरियों के साथ खाने के लिए सिर्फ 5 मिनट में टमाटर प्याज की सब्जी भी बताई है, जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता रेसिपी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। खस्ता मसाला पूरी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में डालिए बारीक वाली सूजी 1 कप, ग्राम में देखें तो 150 ग्राम। सूजी आपकी मोटी है तो मिक्सी में पीस के बारीक कर ले। अब इसमें डालिए एकदम उबला हुआ गरम पानी, ताकि सूजी फूल के सॉफ्ट हो जाए और पूरी में जरा भी दाना ना दिखे। तो यहाँ पे मैंने 6 चम्मच यानी कि 1/3 कप ही सिर्फ पानी डाला है। चम्मच से हम इस तरीके से हल्का सा मिला लेते हैं। तो अगर हम इस टाइम ज्यादा पानी डाल देंगे तो बाद में पूरी का आटा नरम भी हो सकता है, इसलिए हम कम ही पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा सूजी भीग चुका है। अब इसी टाइम इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए कद्दूकस किए हुए आलू। आलू को उबाल के हमें कद्दूकस कर लेना है, ताकि आलू में जरा भी किसी भी तरह का गुलटी ना हो। और कप से देखें तो 3/4 कप आलू है। इसी टाइम हमें आलू को डालना है और हाथों से मिलाना है। आलू में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, तो आलू की नमी में ही सूजी अच्छे से भीग जाए और फुलके सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम अभी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 1 मिनट के लिए आलू सूजी को मिला लिया है। अभी आपको बहुत ही सॉफ्ट डो लगेंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि 5 से 8 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रखें। तब तक मैं आपको इस सूजी आलू पूरी के साथ खाने के लिए एक टमाटर की आसान चटनी बताती हूँ। तो इस प्याज टमाटर की सब्जी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में। आप कोई भी तेल डाल सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल दें, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1 पिंच हींग, 1 से 2 तेज पत्ता, 4 लहसुन की कलियां जिसे मैंने चॉप कर लिया, साथ ही डाल दें 1 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। फ्लेम को हाई रखें, मिला लें। 30 सेकंड में आप देखेंगे कि प्याज गुलाबी हो चुका है। तो आप चाहे ना तो इस सब्जी में 5 से 6 करी पत्ता भी डाल सकते हैं। 200 ग्राम लाल पके टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया। अब टमाटर जल्दी से पक जाए इसलिए स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और साथ ही हम डाल देते हैं थोड़े से मसाले। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, इससे टमाटर प्याज की सब्जी का रंग बहुत ही निखर के आएगा। और अब हम ढकते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर ने बहुत पानी छोड़ दिया है और सॉफ्ट भी होने लगे हैं। इस तरीके से हल्का सा मैश कर ले। ध्यान बस इतना देना है कि टमाटर आपको ऑरेंज कलर के नहीं लेने हैं, वो खट्टे होते हैं। अच्छे से पके हुए टमाटर ले तब ये चटनी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर से हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। 1 से 2 मिनट और पका लिया है। बहुत ही स्वादिष्ट आसान टमाटर प्याज की सब्जी, या फिर आप इसे चटनी बोल लीजिए, बनके तैयार है और बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ऊपर से डाल दीजिए फ्रेश कटी धनिया पत्ती 1 टेबलस्पून, ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। मैं सर्व करती हूँ। तो किसी भी तरीके का पराठा हो, स्टफ पराठा, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, आप कैसे भी बनाइए, सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बैचलर बिगनर भी इस सब्जी को बना सकते हैं, इतना आसान है बनाना, हर खाने के स्वाद को दुगना बढ़ा देगी। इधर सूजी भी फूल चुकी है और अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटा धनिया पत्ती, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कलौंजी यानी मंगरैल, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दें, नमक स्वाद अनुसार। और अब हम इस पूरी में अलग टेस्ट के लिए डालेंगे 1/4 कप बेसन और 3/4 कप यानी कि 1 कप से 4 चम्मच कम गेहूं का आटा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए कितने अच्छे से आटा गूंथ रहा है, आलू में कितना नमी था। आपको जरा भी ऊपर से पानी नहीं डालना है। मिलाते मिलाते धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितना भी सूखा आटा है सब मिक्स हो चुका है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट डो बनके तैयार है। और ऊपर से आप डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल, ताकि हाथों में डो ना चिपके।
मिला लें। तो आप भी इसी तरीके से सूजी आलू पूरी का डो बनाइएगा, एकदम परफेक्ट लगेगा। अब पूरी बनाने से पहले तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिए और हाथों को साफ कर लें। और अब हाथों को हल्का सा चिकना कर लें, छोटा सा लोई हम इस तरीके से काट लेते हैं, या फिर आप थोड़ा सा डो इस तरीके से लीजिए और लंबाई में करने के बाद चाकू से इस तरीके से काट लें। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़ते हुए लोई को बेलेंगे, ताकि जरा भी ना चिपके। हल्के हाथों से बेल लीजिए, पूरी जैसा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा हम मोटा रखेंगे। प्लेट में रखते जाएं, मैं आपको एक और बेल के दिखाती हूँ। ऐसे हम कुछ पूरियां बेल लेते हैं और जब ये तलेगी तब तक हम एक साथ तलते तलते बेल लेंगे। तो देखिए, कुछ पूरियों को बेल लिया है, तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है, छोटे छोटे बबल से पता चल रहा होगा। एक छोटा टुकड़ा डालते हैं हम, तो तेल से धुआं आ रहा है। एक पूरी को डालते हैं, हल्के हाथों से स्पैचुला से दबाते हैं, तो देखिए कितनी अच्छे से फूल गई है, जैसी फूले उलट लें, बाहर निकाल लें। तो देखिए कितनी करारी है, सूजी की है तो काफ़ी देर तक कुरकुरी रहेगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो मैं आपको एक और तल के दिखाती हूँ। डालने के बाद हल्के हाथों से दाबिए और इस तरीके से तेल डालिए, तो ये भी फूल गई और जैसी फूले ना उलट लें। और जब फूल जाएगी तभी आप दूसरी पूरी डालिएगा, ताकि तेल का टेम्परेचर बराबर रहे। तो देखिए दूसरी भी फूल गई है और इसे भी उलट लें। तो बहुत ही झटपट आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या बच्चों के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ भी बहुत ही बढ़िया लगती है। इसी तरीके से हम सारी पूरियां तल लेते हैं। तो सर्व कर लेते हैं, बहुत ही मजे का नाश्ता तैयार है, जरूर बनाइए। तो इस आलू पूरी के साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो कचौरी जैसी फुली फुली बनी है, देखिए कितने खस्ता है। गर्मा गर्म पूरी इस चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, कैसा बना बताइएगा।